बच्चों, आपने पिछली क्लास में कंप्यूटर मशीन में इनपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में पढ़ा था। आज हम कंप्यूटर ए मशीन में यहाँ पर आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। आउटपुट डिवाइस क्या होती है, स्टोरेज डिवाइस क्या होती है, तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आता है आउटपुट डिवाइस। द डिवाइस यूज टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ किया जाता है उसे आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, तो ये है आपकी आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है मॉनिटर। इट इज़ द डिवाइस यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट एंड इमेजेस। तो बच्चों, यहाँ पे मॉनिटर का क्या यूज़ है, ये टेक्स्ट और इमेजेस को डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यह है आपका मॉनिटर। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है प्रिंटर। प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर इज यूज्ड टू प्रिंट आउट द टेक्स्ट और पिक्चर्स ऑन पेपर। तो बच्चों, प्रिंटर क्या करता है, प्रिंटर का यूज़ पेपर पर टेक्स्ट या पिक्चर को प्रिंट करने के लिए या छापने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर आता है स्पीकर। स्पीकर आर बॉक्स टाइप डिवाइस। स्पीकर आर यूज टू लिसन टू द साउंड ऑफ म्यूजिक एंड सॉन्ग्स। तो बच्चों, स्पीकर का यूज़ क्या है, स्पीकर एक बॉक्स टाइप डिवाइस होती है। स्पीकर का यूज़ म्यूजिक और सॉन्ग को सुनने के लिए होता है, मतलब यहाँ पे साउंड को सुनने के लिए किया जाता है। तो यह है आपका स्पीकर। नेक्स्ट आपके पास आता है प्रोजेक्टर। ए प्रोजेक्टर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रोजेक्ट्स एन इमेज ऑन टू अ लार्ज सरफेस सच एज वाइट स्क्रीन और वॉल। तो बच्चों, प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है और इसका काम क्या होता है, ये एक बड़ी जगह पर आपकी जो इमेजेस होती है उसे प्रोजेक्ट करता है, जैसे कि वाइट स्क्रीन या वॉल। तो बच्चों, यहाँ पे प्रोजेक्टर का काम क्या होता है, जैसे कंप्यूटर में जो स्टोर डेटा होता है, ठीक है, उसे बड़ी स्क्रीन पर दिखाने के लिए प्रोजेक्टर का यूज़ होता है। अब जैसे आप लोग पिक्चर हॉल गए होंगे तो वहाँ पे आपने मूवी देखी होगी, तो बड़ी स्क्रीन पे मूवी चलती है तो वो किसके थ्रू चलाई जाती है बेटा, यहाँ पे प्रोजेक्टर के थ्रू। ठीक है, तो ये है आपका प्रोजेक्टर। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे हेडफोन। हेडफोन आर हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस। हेडफोन अलाउ यू टू लिसन टू ऑडियो और वॉच अ मूवी विदाउट डिस्टर्बिंग पीपल अराउंड यू। बच्चों, हेडफोन एक हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस होती है और इसका काम क्या होता है कि हेडफोन आपको अपने आसपास के लोगों को परेशान किए बिना ऑडियो सुनने या मूवी देखने की अनुमति देता है, अलाउ करता है। ठीक है, तो यह है आपका आउटपुट डिवाइस है हेडफोन। तो यह आपका हेडफोन। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आता है स्टोरेज डिवाइस। यूजुअली व्हेन यू गो टू स्कूल। बच्चों, जब आप स्कूल जाते हैं, मतलब फ़िलहाल तो अभी आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, 1.5 साल से स्कूल नहीं खुला नहीं है, तो अभी क्या है, तो जैसे अभी फ़िलहाल आपका क्या है, घर पर ही रह के स्कूल का काम चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसी से रिगार्डिंग कुछ आपको समझाना चाह रही हूँ। यू कैन कीप ऑल द बुक्स एंड कॉपीज इन अ बैग टू कीप देम सेफ। तो बच्चों, यहाँ पे क्या है, जब आप होमवर्क करते हैं स्कूल का, तो उसके बाद अपनी बुक्स और जो नोटबुक बुक होती है तो उसे क्या करते हैं, बैग में संभालते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेफ रहे। उसी तरह से यहाँ पे कंप्यूटर में भी होता है। इन द सेम वे कंप्यूटर also contains a storage device which keeps your data safe. तो बच्चों, उसी तरह से क्या होता है, कंप्यूटर में भी होता है, यहाँ पे स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जिसकी हेल्प से हम अपने डेटा को सेफ रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से हैं देख लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास आता है मेमोरी। अब मेमोरी यहाँ पे कितने टाइप्स की होती है, तो ये देख लीजिए, मेमोरी आपकी 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो यहाँ पे सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी है, और प्राइमरी मेमोरी में आपके पास आता है रैम, रोम।
ठीक है। और सेकेंडरी में आपके पास आता है हार्ड डिस्क, सीडी डीवीडी, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क और भी बहुत सारी डिवाइस होती हैं जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी में आता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे आज हम यहाँ पे पांच पढ़ेंगे, फाइव जो डिवाइसेस आ रही हैं ये पढ़ेंगे, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, सीडी डीवीडी, पेन ड्राइव। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है आपका रैम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, इज वोलेटाइल। व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ डॉक्यूमेंट इट इज कैप्ड इन रैम एंड इफ द कंप्यूटर लूजेस पावर योर वर्क इज लॉस्ट। तो बच्चों यहाँ पे रैम का क्या काम होता है देख लीजिए, जब आप कंप्यूटर पर काम करते हैं तो उसका डाटा रैम में चल रहा होता है और अगर किसी वजह से कंप्यूटर का पावर कनेक्शन कट जाता है तो आपका किया हुआ काम भी गायब हो जाता है, इसलिए कंप्यूटर पर कोई भी काम करते हुए सेव करना ज़रूरी होता है क्योंकि रैम कुछ सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होती रहती है जिस वजह से डाटा गायब हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यह है आपका रैम। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर रोम। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। बच्चों रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी, द मेमोरी फ्रॉम विच वी कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट ऑन इट। वह मेमोरी जिसे हम केवल पढ़ सकते हैं लेकिन उस पर लिख नहीं सकते, तो बच्चों वो कौन सी मेमोरी होती है, रोम। द मैन्युफैक्चरर ऑफ रोम फिल्स द प्रोग्राम्स इन टू द रोम एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द रोम। तो बच्चों रोम बनाते समय रोम में प्रोग्राम या कमांड फिल कर दिया जाता है जिसमें हम किसी भी तरह का चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक एग्जांपल बताया गया है, देख लीजिए आप लोग, तो इसे तो आप जानते ही होंगे, यस ये टीवी रिमोट है। तो बच्चों जिस तरह आप अपने घरों में टीवी रिमोट का यूज़ करते हैं और आपको पता है कि आप इसमें कोई भी नंबर प्रेस करते हैं तो वो उस नंबर का चैनल आपको शो हो जाता है, अगर आप यहाँ पे वन नंबर चैनल प्रेस करते हैं तो वन नंबर का चैनल आपको शो हो जाता है, उसी तरह से कोई भी नंबर आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो वो चैनल आपको शो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रिमोट के अंदर रिमोट बनाते समय रोम में एक प्रोग्राम राइट किया जाता है कि कोई भी बटन प्रेस करते हैं तो रिमोट वही कमांड एक्सेप्ट करता है, ठीक है, जिसे दोबारा राइट नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, तो रोम क्या होती है, रोम केवल रोम रीड ओनली मेमोरी होती है इसलिए इसे केवल रीड किया जाता है। ओके बच्चों, तो यह है आपका रोम। नेक्स्ट आपका आता है हार्ड डिस्क। इट इज़ द कंप्यूटर्स मेन स्टोरेज डिवाइस दैट स्टोर्स डाटा। द स्टोर डाटा विल रिमेन इन द डिस्क अंटिल इट इज़ नॉट डिलीटेड परमानेंटली। बच्चों हार्ड डिस्क कंप्यूटर की मेन स्टोरेज डिवाइस होती है जहाँ सारा डाटा क्या होता है, स्टोर होता है, और यह डाटा तब तक सेव रहता है जब तक इसे परमानेंटली डिलीट नहीं कर देते। ठीक है बच्चों, तो यह है आपका हार्ड डिस्क। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर सीडी डीवीडी। सीडी डीवीडी आर स्मॉल एंड राउंड इन शेप एंड कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा और इन्फॉर्मेशन। सीडी डीवीडी क्या होता है बेटा, सीडी डीवीडी का आकार छोटी, मतलब सीडी डीवीडी क्या होती है, साइज में छोटी होती है और गोल शेप में होती है जो बहुत बड़े अमाउंट में डाटा या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर आता है पेन ड्राइव। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्लैश ड्राइव। इट इज़ अ स्मॉल डिवाइस कनेक्टेड टू द USB पोर्ट ऑफ योर कंप्यूटर एंड स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। तो बच्चों जो पेन ड्राइव है इसे फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है, ये आपके कंप्यूटर के USB पोर्ट से जुड़ी एक छोटी डिवाइस होती है, मतलब हम क्या करते हैं इसे USB पोर्ट में कनेक्ट करते हैं और हमारे कंप्यूटर में जो भी डेटा होता है जो हमें हमारे पेन ड्राइव में चाहिए हम उसे पेन ड्राइव में USB पोर्ट के थ्रू ले लेते हैं। ठीक है, और इसमें भी हम बहुत ही बड़े अमाउंट में डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह है आपकी स्टोरेज डिवाइसेस। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।